आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के निमंत्रण में एक वार्ता की गई। अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अपने निकम में पद का उत्सव मनाने वाले देश के पहले योगी सरकार के 4 साल में किसान बेरोजगार आम आदमी बेहाल है। भ्रष्टाचार के पैमाने के 4 साल का उत्सव मना रखे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे पर बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। बहराइच से अजमल शाह की रिपोर्ट। जो सरकारी खर्चा एक शहर का नाम बदलने में कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए आ जाते हैं। इसके अलावा जो मुख्य काम है वो दूसरे के किए हुए कामों पे जाके अपनी सेल्फी लेना। मिर्जापुर वाली बांध का उदाहरण आप लोगों के सबके सामने है। जब ट्वीट हुए तो उसके बाद उसको डिलीट किया गया। कल की लेखपाल भर्ती में जो बच्चों ने एग्जाम दिया भी नहीं उनके नाम अखबार में छप गए कि वो लेखपाल बन गए हैं। और जब पता चला कि वो लेखपाल जब पत्रकार उनके पास पहुंचे हैं तो वो भाग के नेपाल में पहुंच गए हैं। नेपाल में बैठा हुआ है। ये योगी जी के महत्वपूर्ण काम है। अयोध्या में बड़े उस लेवल पे दीपावली और दीपदान वाले काम होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसको खुश करना चाह रहे हैं? ये सरकार जो है ये नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें। ये सरकार चाहती है कि आपके बच्चे कांवड़ उठाएं, कंधे पे रखें और हर बहुमूल्य बोते हुए जाएं। वो बात सही है, धार्मिक होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। हमारी सरकार धार्मिक यात्राएं भी करवा रही है। आप देखिएगा दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं उन सबको जम्मू वैष्णो देवी हर जगह यात्रा करा रही है, मगर साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे पढ़े भी। क्या दिल्ली सरकार ने किसी को हज भी करने के लिए भी फ्री भेजा? नहीं सर, इसमें मैं तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसे आपने कहा कि वो दिल्ली सरकार करा रही है, देश के अंदर की जो परिधि है तो ये मुख्य काम है जो हमारे बाबा जी ने 4 सालों में किया है। बाकी विकास का कोई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप हमें दे दीजिए यहाँ पे सामने, कोई एक ऐसा मालूम कि इन्होंने हाईकोर्ट बनवा दिया हो या एक्सप्रेस वे तैयार हो गया हो या कोई ऐसा एग्जांपल कि मेट्रो चलवा दिया हो किसी सिटी में, कोई ऐसा एक काम आप बहराइच का मेडिकल कॉलेज भी उसका जो उद्घाटन हो चुका था पुराना है। उसका भी उद्घाटन किया गया संबंधित है। उन्होंने एक जानकारी बड़ी आश्चर्यजनक उसको, उन्होंने कहा कि टोल पे जो गन्ने की ट्रालियां हैं उनसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि किसान से संबंधित जो भी इम्प्लीमेंट है उनका टोल नहीं पड़ता, लेकिन कैसरगंज में इस टोल पर वसूला जा रहा है। उन लोगों ने, किसानों ने आंदोलन किया है, वहां गए हैं, चक्का जाम किया है, तब जाकर के टोल से छुटकारा मिला। तो ये सरकार जितने भी नाके हैं, जितने भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों से जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। सारी जनता को सारी सच्चाई पता चल रही है, लोग बिल्कुल परेशान हैं और आखिरी लाइन यही है, 4 साल उत्तर प्रदेश बेहाल। जी आप